मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज़ टॉक चैनल में। आज हम लोग उसी ज्योति के बारे में आपको बताने जा रही हैं, जिस ज्योति ने दिल्ली से दरभंगा तक का सफर 1200 यानी कि 1200 किलोमीटर का सफर अपने पिताजी के साथ तय किया साइकिल के ऊपर और उस दौरान ही अपने घर तक लेके आई। आज उन्हीं की दोबारा से एक अपडेट आई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अभी फैसला लिया है कि उनके घर तक 1,00,000 रुपए पहुंचाया जाएगा और उनको इनाम देने का फैसला भी किया है। तो चलिए पूरी अपडेट के बारे में आपको बताते हैं, क्या अभी तक ज्योति के पास 1,00,000 रुपए पहुंच चुका है और ये इनाम देने का उनका क्या मतलब है, हर एक चीज के बारे में आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि इसके जरिए हम आगे की भी अपडेट्स आप तक सबसे पहले लेके आ पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो कि समाजवादी पार्टी, जो कि सपा पार्टी बोला जाता है, उन्होंने जो ये अभी किया है क्या आपकी नजर में अच्छा है, आप लोग भी खुश है ज्योति के लिए, बताइए जरूर, या तो ज्योति करके कमेंट जरूर कीजिए। जैसे कि आप लोग को पता है लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों से दूर थे और वो कैसे ना कैसे करके अपने घर पहुंचना चाहते हैं। इसमें से एक्चुअली दिल्ली में रह रही ज्योति भी थी, जो कि कुछ टाइम पहले लॉकडाउन से पहले ही उनके पिताजी का गुरुग्राम में वो एक्चुअली में जो रिक्शा चलाते थे, जिसके कारण दुर्घटना में उनका बैक को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उनका काम थोड़ा रुक गया था, उनकी देखभाल करने के लिए वो गुरुग्राम गई हुई थी। बीच में लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के चलते हुए उनका काम बिल्कुल ही ठप्प पड़ गया, जिसके कारण अभी वहां पर रह नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने दरभंगा जाने के लिए एक साइकिल पे ही सफर करना तय कर दिया। और ज्योति जो कि 15 साल की हैं और उन्होंने दरभंगा पहुंचा के ही सांस ली अपने पिताजी को और उस दौरान साइकिल पे ये सफर किया और ये सफर एक हफ्ते का था। 1200 यानी कि 1200 किलोमीटर दूर साइकिल चलाया। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जो कि सपा है, सपा पार्टी है, इनका जो चिन्ह होता है वो साइकिल का ही चिन्ह है और 15 साल की ज्योति को अभी 1,00,000 रुपया इनाम देने का उन्होंने 21 मार्च को अभी उन्होंने प्लान किया था और वहां के जो अध्यक्ष हैं, जो अखिल यादव हैं, उन्होंने उसके उनको सम्मानित किया, ज्योति को सम्मानित किया और ये भी चीज बोली कि उनके परिवार की और भी मुश्किलें नहीं बढ़ जाए, इसीलिए उनको 1,00,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। और आज ये बड़ी खबर आई है कि फूल देवी यानी कि उनकी जो ज्योति की माता जी है, उनके अकाउंट में 1,00,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिया गया है। उस दौरान ज्योति काफी ज्यादा खुश है, उनके परिवार वाले काफी ज्यादा खुश है और इस दौरान जो इन्होंने किया है वो उस चीज को जानते हुए लोग आजू बाजू के काफी ज्यादा खुश है और समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने काफी ज्यादा माननीय काम किया है और उस दौरान ही जो ज्योति हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने काफी काबिले तारीफ काम किया, जो कि आज के जमाने में जो कि बेटी है, बेटी अपने जो कि अपनी हिम्मत से लड़का बन के उसने दिखाया है, 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली के गुरुग्राम से वो दरभंगा आई है, बिहार के दरभंगा में, और उसके बाद उनके पापा को क्वारंटीन भी किया गया था और उनको घर में क्वारंटीन किया गया था, जो कि अभी तक वो एकदम सही सलामत और बहुत ही अच्छी और खुश है ये अभी 1,00,000 रुपए पाके। तो आई होप गाइस आप लोग ज्योति के लिए काफी ज्यादा खुश होंगे और समाजवादी पार्टी ने जो किया है वो उसके लिए भी जान के काफी ज्यादा खुश होंगे। अगर हाँ तो ज्योति करके कमेंट जरूर कीजिए और ज्योति को कंग्रेचुलेशन जरूर बोलिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय, टेक केयर, नमस्कार।